वेलकम बैक टू अवर योगेंद्र क्लासेस। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज की जो लाइव क्लास थी अब हम उसे लाइव की जगह क्या डाल रहे हैं, उस जगह पर रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से लाइव की जगह से हम क्या डालना चाह रहे हैं, अब रिकॉर्डेड क्लास जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा चल रहा था स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके का जो टॉपिक चल रहा है योगेंद्र क्लासेस पर, वो चल रहा है आपका शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में आपके अब तक दो क्लासेस हो गई हैं, और दो क्लासेस में क्या क्या करवा दिया है आपका, भरतनाट्यम हो चुका है, और क्या हो गया है तुम्हारा भरतनाट्यम में, भरतनाट्यम के चरण, आसन, प्रकार, पैरों की गतियां, कहाँ कहाँ उल्लेख है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सारा भरतनाट्यम में करवा चुके हैं। इसके बाद जो हमने दूसरा शास्त्रीय नृत्य लिया था वो लिया था कुचिपुड़ी, तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी हमने खत्म करवा दिया है। आज की तीसरी क्लास है तुम्हारी किसकी, स्टैटिक जीके की, शास्त्रीय नृत्य में। जो आज का जो टॉपिक है वो हम लेके आए हैं, कौन सा, शास्त्रीय नृत्य में ओडिसी, तीसरा शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम क्या है, ओडिसी। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। तो देखिए पहला बात ये आती है कि जो नृत्य है ओडिसी नृत्य है, इसका नाम ओडिसी क्यों पड़ा, तो बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, पर नाम से ही क्लियर है क्योंकि ये किस राज्य में है, ओडिशा में, इसलिए शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या पड़ गया, ओडिसी पड़ गया। अब बात करते हैं कि सर भरतनाट्यम का उल्लेख जो मिलता है और कुचिपुड़ी का उल्लेख मिलता है, वो तो भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, नाट्यशास्त्र। क्या, देखो तो उसका वर्णन, देखो नाट्यशास्त्र इधर, ये किसके द्वारा रचित है, कभी भी एग्जाम में नाम आए नाट्यशास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो उनका नाम है भरत मुनि। क्या नाम है, भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र में एक तो भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, दोनों का उल्लेख है, लेकिन ओडिसी नृत्य का उल्लेख नाट्यशास्त्र में नहीं है। तो फिर सर इसका उल्लेख नाट्यशास्त्र में नहीं है तो ओडिसी का कहीं ना कहीं तो उल्लेख होगा, तो बिल्कुल है, ओडिसी का जो उल्लेख है वो मिलता है कहाँ, शिलालेखों में। तो एक बार सिविल सर्विस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, किस नृत्य का जो उल्लेख है वह सबसे ज्यादा शिलालेखों से मिलता है, तो ये अकेला ऐसा नृत्य जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, शिलालेखों में मिलता है, वो नृत्य कौन सा है तुम्हारा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं सर शिलालेखों में कहाँ कहाँ से मिलता है, तो देखो ओडिशा, ओडिशा में एक मंदिर है कौन सा, ब्रह्मेश्वर, ओडिशा में एक मंदिर कौन सा है तुम्हारा, ब्रह्मेश्वर है, और दूसरा मंदिर कौन सा है, ये कोणा लिख दिया है, ये कोणार्क होगा, यहाँ क्या होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा, क्या होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क। तो देखिए ब्रह्मेश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका क्या मिलता है, विवरण मिलता है, तो कहां से मिल गया, शिलालेखों से मिल गया, कौन कौन से, एक तो ब्रह्मेश्वर मंदिर और दूसरा कौन सा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब देखो यहां नृत्य मूल रूप से कौन करती थी, स्त्रियां करती थी, और कुचिपुड़ी को मूल रूप से कौन करते थे, पुरुष करते थे, लेकिन वर्तमान में ये कौन करते हैं, पुरुष भी करते हैं, ऐसे ही कुचिपुड़ी को वर्तमान में कौन करती है, महिलाएं भी करती हैं। अब आगे देखते हैं, देखो इसमें क्या होता है, नृत्य करते हुए जो हम जो गायन होता है, तो गायन में जो छंद आते हैं जिनसे आप शब्द भी कह सकते हो, तो वो शब्द आखिर उस गाने के कहां से लिए गए हैं, तो जयदेव ने एक पुस्तक लिखी, इतिहास में कभी आप पढ़ोगे जयदेव किनके दरबार में रहते थे, तो इनकी पुस्तक है गीत गोविंदम, जयदेव की कौन सी पुस्तक है, गीत गोविंदम, किस भाषा में है, ये संस्कृत की पुस्तक है, तो इस पुस्तक से जो छंद लिए गए हैं उन छंद का प्रयोग किस में होता है, गायन के रूप में होता है, किसमें, ओडिसी नृत्य में, जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ याद करो या ना करो, लेकिन गीत गोविंदम जो जयदेव की पुस्तक है कई बार एग्जाम में आई है। अब बात आती है आगे, ब्रिटिश काल में मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश काल में बहुत सारे नृत्यों पर क्या लगा दी गई थी, मंदिरों पर रोक लगा दी गई थी, तो ये ब्रिटिश काल में जैसे ही नृत्य पर रोक लगा दी गई, तो एक
गुरु केलुचरण महापात्र नाम आता है उबर कर, इन्होंने इसको क्या किया था, दोबारा जीवित किया था। मतलब कि ओडिसी नृत्य जो खत्म होने की कगार पर था, या फिर मतलब नाम मात्र का चल रहा था ब्रिटिश काल में, उनको एक नए सिरे से शुरुआत या उन्हें द्वारा से जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, गुरु केलुचरण महाराज जी को जाता है। आगे देखते हैं तो ये किससे संबंधित है, कृष्ण और विष्णु भगवान से संबंधित है। ऐसे ही कुचिपुड़ी भी किससे संबंधित है, कृष्ण और विष्णु भगवान से संबंधित है। तो शास्त्रीय नृत्य मोस्टली लगभग बता रहा हूं पूरे नहीं, तो भगवान कृष्ण और विष्णु से संबंधित है। अब बात आती है जब उड़ीसा की बात हो और जगन्नाथ मंदिर का उल्लेख ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जगन्नाथ स्वामी का जो मंदिर है, भगवान जगन्नाथ की जो महिमा मंडल है, वो भी किस नृत्य से होता है, महिमा मंडल वो भी किससे होता है, ओडिसी नृत्य से होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्या चरण। ऐसे ही हमने पढ़ा था भरतनाट्यम के कितने चरण होते थे, 7। ऐसे ही हमारे ओडिसी के भी क्या होते हैं, चरण होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ओडिसी के कौन कौन से चरण हैं। देखिए पहला जो चरण है वो है तुम्हारा मंगल चरण। क्या है, मंगल चरण। सर मंगल चरण में क्या होता है, मंगल चरण में होता है ये होता है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण, प्रारंभिक भाग बोल सकते हो। इसमें नर्तकी जो डांस कर रही होती है वो क्या करती है, एक पुष्प लेकर आती है हाथों में। क्या लेकर आती है, हाथ में एक पुष्प लेकर आती है मंच पर, और इस मुद्रा को क्या कहते हैं, जो हाथ में पुष्प लेकर आ रही है उसे कहते हैं पुष्प हस्त मुद्रा। नर्तकी जब भी नृत्य शुरू करेगी तो वो हाथ में एक पुष्प लेकर आएगी मंच पर, और वो हाथ में जो पुष्प लेकर आई है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं पुष्प हस्त मुद्रा। और अपने गुरु जिन भी भगवान के लिए वह प्रार्थना कर रही है या फिर नृत्य कर रही हैं, और इष्ट देव, ईश्वर और दर्शक सबका क्या करेगी, अभिवादन करेगी। पहले किसका अभिवादन करेगी, वो अपने इष्ट देव का, गुरु का, फिर दर्शकों का। अब बात आती है दूसरा जो चरण है वो है तुम्हारा बटु। दूसरा चरण कौन सा है, बटु। पहला चरण कौन सा है, मंगल चरण। सर बटु में क्या होता है, बटु में दो शब्द उभर के आते हैं। इस चरण में होता है चौक और त्रिभंगी, चौक और त्रिभंगी। तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां नोट्स में ही डाल दिया है। चौक का मतलब होता है नर्तकी अपने शरीर को क्या कर लेती है, थोड़ा सा झुका लेती है। नर्तकी अपने शरीर को क्या करती है, थोड़ा सा झुका लेती है, और पैरों और घुटनों के माध्यम से क्या करती है, नृत्य करती है। शरीर को थोड़ा सा झुकाकर पैर और घुटनों की मदद से क्या करना, नृत्य करना क्या कहलाता है, इस क्रिया को कहते हैं चौक। और एक होता है त्रिभंगी, इसमें क्या होता है, हाथ पैर और सिर के माध्यम से, हाथ पैर और सिर के माध्यम से क्या करना, भाव प्रदर्शित करना, एक्सप्रेशन देना। किससे, हाथ पैर और सिर से भाव प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, त्रिभंगी को क्या करते हैं जी, दर्शाते हैं। कौन से चरण में, बटु में, पहला चौक, दूसरा त्रिभंगी। अब आगे आता है एक और चरण है तीसरा तुम्हारा पल्लवी। तो पल्लवी चरण में कुछ नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गीत प्रस्तुत होता है। अगला चरण जो है वह त्रितंड होता है, त्रितंड मंसूर। इसमें क्या होगा, ये अंतिम चरण होता है, इसमें आपका जो नृत्य होता है वो समापन की ओर चला जाता है। समझ में आया, चलिए ये चरण हो गए। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि नर्तकी जब भी इस नृत्य को करेगी, पुराने समय की बात है, अभी तो हम लोग नॉर्मल ड्रेसेस में भी कर लेते हैं, पर मोस्टली ऐसा होता है कि नर्तकी जब भी इस नृत्य को करती है वो चांदी के बने विशेष आभूषण पहनती है, उसके बाद ही इसको क्या करती है, नृत्य को करती है। अब देखो प्रमुख कलाकारों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे लिए। तो पहला नाम है सोनल मानसिंह, दूसरा है गुरु पंकज चरण, और तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है पद्म श्री रंजना गोहर, और एक और नाम उभर के आता है कौन सा, इंद्राणी रेहमान, कुचिपुड़ी में भी है जी। और एक नाम है तुम्हारा क्या, चार्ल्स फैब्री, चार्ल्स फैब्री। तो हमने ये क्या किया, ओडिसी नृत्य पूरा का पूरा पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया और समझ भी लिया।
तो अगला जो नृत्य है वो है हमारा कौन सा, कत्थक। अगले नृत्य का नाम क्या है, अगले नृत्य का नाम है कत्थक। देखो कत्थक शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के शब्द से हुई है। किससे? ये जो कत्थक लिखा हुआ है, कत्थक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा के कथा शब्द से हुई है। अब जी कथा क्या होता है? तो देखो जी, एक राज्य है, कहाँ चलता है ये? उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में, कई बार भी आ जाता है। कौन सा? उत्तर भारत आ जाता है कई बार। अब देखो कत्थक संस्कृत भाषा के कथा, कथा का मतलब होता है कहानी कहने वाला या कथा सुनाने वाला, बस हो गया। चलिए तो देखो पहली बात आती है, इसकी जड़ें कहां हैं? ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि की रासलीला से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। और रासलीला किस भगवान की होती है? भगवान श्री कृष्ण की। मैंने बताया था ना, ज्यादातर शास्त्रीय नृत्य होते हैं किससे संबंधित हैं? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। तो इसकी जड़ें कहीं ना कहीं ब्रजभूमि की रासलीला से जुड़ी हुई हैं। अब देखो कई बार एग्जाम में आता है कि नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का नाम है? तो देखो नटवरी नृत्य किसका नाम है? कत्थक का ही नाम है। अब आप कहोगे सर इसका नाम नटवरी क्यों पड़ा? नटवरी इसलिए पड़ा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कौन सा रूप? बाल रूप। और भगवान श्री कृष्ण बचपन में कैसे थे? नटखट। तो भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में नटखट थे, उनका बाल रूप नटखट था, तो नटखट होने के कारण इस नृत्य का क्या कर दिया हमने नाम? नटवरी कर दिया। दूसरी बात आती है कि सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो पहले जमाने में भाट आते थे, अभी नहीं आते, शायद आपने नहीं सुना होगा, बुजुर्ग लोगों ने से पूछोगे तो उनको पता होगा। पहले भाट आते थे, जो कहाँ आते थे? उत्तर भारत में आते थे। और ये भाट आते थे, हमें क्या सुनाते थे? कथा और कहानी सुनाते थे। क्या सुनाते थे? कथा और कहानी। अब देखो ये किसकी कथा कहानी सुनाते थे? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कथाएं सुनाते थे। तो देखिए मैंने बोला था ना कथा शब्द से हुई है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो कथाएं सुनाने के कारण जो कथा सुनाने वाला होता था उसको हम कहते थे क्या? कत्थक। कत्थक का मतलब होता है कथा सुनाने वाला, कत्थक। बाद में कब? छठवीं सदी में। कथा सुनाने के साथ साथ अब जो व्यक्ति पहले केवल कथा कथा सुना रहा था, कथा सुनाते सुनाते वो व्यक्ति अब नृत्य भी करने लगा साथ साथ में। नृत्य करते करते क्या कर रहा है? कथा सुना रहा है। तो नृत्य करते करते कथा सुनाने के साथ साथ इस नृत्य की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। किसकी? कत्थक नृत्य की। कहां? उत्तर भारत में। और दूसरी बात आती है इसमें मुगल शासन में। कब? मुगल शासन में। इस नृत्य में ईरानी और उर्दू कविताओं का क्या होने लगा? मिश्रण होने लगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें मुगल या इस्लामिक या मुस्लिम संस्कृति का मिश्रण मिलता है, तो वो नृत्य कौन सा है? तुम्हारा कत्थक है। तो मैंने ये पॉइंट डाल भी दिया है यहाँ, कत्थक का ही संबंध किससे है? केवल मुस्लिम संस्कृति से है। इसके अलावा किसी भी नृत्य का संबंध मुस्लिम संस्कृति से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे है? कत्थक से। मुगलों ने इसको क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आती है, क्या? घराने। कई बार आपने पढ़ा होगा इतिहास की, जब भी हम बात करेंगे तो वहां घराने आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो कत्थक किस किस घराने से संबंधित है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो वो मैंने यहां डाल दिया है आपके लिए। पहली बात तो आती है कि सर घराना किसे कहते हैं? घराना किसे कहते हैं? तो देखो कत्थक का विकास कहां हुआ? मैंने बताया था भाट इसको कहां लेकर आए? उत्तर भारत में। कहां लेकर आए? उत्तर भारत में। और उसमें क्या होने लगा? धीरे धीरे कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं इसमें क्या हो गई? शामिल हो गई। कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं इसमें क्या हो गई? शामिल हो गई। तो इनमें जो घराने हैं वो पहला घराना कौन सा है? बनारस, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है? जानकी प्रसाद। दूसरा है लखनऊ। कौन है? अवध के नवाब वाजिद अली शाह, इतिहास में भी पढ़ेंगे आप इनको। जयपुर घराने में कौन है? राजस्थान वाला कछवाहा राजा, कछवाहा राजा होता है वो। रायगढ़ में कौन है?
चक्रधर सिंह, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सा राजा किस घराने में इस नृत्य को लेकर आया। अब हम बात करेंगे कि सर जो चरण होते हैं इसमें वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला जो चरण है वो है सलामी। इसका जो प्रथम चरण मैंने अभी तुम्हें बताया था कि सर सलामी होता क्या है, इसका जो प्रथम चरण है वो क्या है, सलामी। तो सलामी कुछ नहीं है, जब भी नर्तकी स्टेज पर जाएगी तो दर्शक क्या करेंगे, उसका तालियां बजाकर अभिवादन करेंगे। जैसे आप किसी स्टेज पर चढ़ते हो, लोग वह क्या बजाते हैं, ताली बजाते हैं, तो यही स्टेज क्या कहलाती है, पहली वह सलामी कहलाती है। तालियां बजाकर क्या करते हैं, स्वीकृति दी जाती है। दूसरी जो है चरण या दूसरा चरण है वो कौन सा है, वो है तुम्हारा कवित। कवित मतलब आप स्टेज पे तो पहुंच गए, स्टेज पर आते टाइम तालियां बजा दी तो आप क्या कर दोगे, आप अपना नृत्य शुरू कर दोगे, क्या कर देंगे, आप अपना नृत्य शुरू कर देंगे। तीसरी जो स्टेज है वो कौन सी है तुम्हारी, तीसरा चरण है वो है तुम्हारा पढ़न। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़न, इसमें क्या होता है, पढ़न में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है तुम्हारी वो कौन सी है, पढ़न। पढ़न में क्या होता है, ज्यादातर जो नृत्य होते हैं वो तबलों पर होते हैं। किस पर होते हैं, तबला जो होता है ना उस पर होते हैं। लेकिन ये ऐसा नृत्य है जो तबले के बजाय ऐसे होता है, तबले के बजाय किस में होता है, पखावज। पखावज क्या होता है सर, ढोलक देखिए वही पखावज है तुम्हारा, समझ में आ गया। तो तबले के बजाय किस पर होता है जी, पखावज पर होता है, इंपॉर्टेंट है जी, सारे नृत्य तबले पर होते हैं, ये किस पर होता है, पखावज पर। अगला जो पार्ट है वो है परमेलू। अगला कौन सा है, परमेलू। परमेलू में जो होता है कि बिना किसी वाद्य यंत्र के आप गाना गा रहे हो। संगीत में गायन में फर्क होता है, संगीत आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है और गायन आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ भी गाया जा सकता है और बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ भी गाया जा सकता है। संगीत में इंस्ट्रूमेंट होना कंपलसरी है, तो क्या कह सकते हैं, बिना संगीत के क्या होता है, गायन होता है। आगे देखेंगे अगला है गत। अगला क्या है, गत। गत क्या होता है सर, आपने देखा होगा नर्तकी जब स्टेज पर जाती है बड़े सुंदर रूप से, कैसे, बड़े सुंदर रूप से एक्सप्रेशन के साथ वॉक करती हैं, चलती हैं, अपने हाव भाव दिखाती हैं सामने वाले को, वही क्या कहलाता है, गत। गत मतलब सुंदर मुद्रा में चलना, सुंदर रूप से चलना क्या कहलाता है, गत कहलाता है। और तीस और इसके अलावा जो चरण है वो है लड़ी। लड़ी क्या होता है, लड़ी होता है एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना। तो लड़ी में हम किसको जोड़ते हैं, स्वरों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं लड़ी में, स्वरों को जोड़ते हैं, या स्वरों को लगाना क्या कहलाता है, लड़ी कहलाता है। अगला है वो क्या है, वो तिहाई है। तिहाई शब्द का मतलब क्या होता है, तीन। तो इसमें क्या होगा, आप जो भी गाना गा रहे हैं गायन का जो अंश है उसे कितनी बार दोहराएंगे, तीन बार दोहराएंगे, तो ये क्या हो गया, तिहाई। और अंतिम चरण है वो कौन सा है, वो है तुम्हारा सम। सम मतलब समाप्त। तो इसमें दर्शक क्या करेंगे, लास्ट में अभिवादन करेंगे, तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, कत्थक खत्म हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इसके कलाकार कौन कौन से हैं। तो इसके कलाकार कौन कौन से हैं, आप देखिए, पहला है शंभू महाराज। पहला कौन सा है, शंभू महाराज। दूसरा लच्छू महाराज, वो जी तो इंपॉर्टेंट है ही है, बिरजू महाराज, पंडित जयलाल, पंडित नारायण प्रसाद, और कौन है, पंडित सुंदर प्रसाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जी आती है कि जितने भी नृत्य होते हैं तो आपने उन नृत्य में देखा होगा घुटने जरूर मुड़ते हैं या अपने पैरों को मोड़कर क्या करते हैं, वो नृत्य करते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा नृत्य है इसमें क्या नहीं होगा, घुटने, ये घुटने कर दिए, ये होगा घुटनों को नहीं मोड़ा जाता। क्या होगा, घुटनों को नहीं मोड़ा जाता, किस नृत्य में, इसी नृत्य में। तो फिर कैसे, सिर्फ और सिर्फ पद, पैरों के संचालन के माध्यम से करते हैं।
तो देखो, ऐसा नृत्य जो बिना घुटने मोड़े किया जाए वो कौन सा होता है? कत्थक होता है। दूसरी बात आते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको पद संचालन कहते हैं। देखो आपने दो शैलियां पढ़ी होंगी, द्रुपद शैली कई बार पढ़ा होगा आपने, तो ये क्या है? एक तो द्रुपद और दूसरा ठुमरी, ये शैलियां होती हैं। द्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से या क्या होता है? प्रस्तुत होता है। तो अभी तक हमने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कत्थक और एक और नृत्य है जिसका नाम है ओडिसी, हमने चार नृत्य कर लिए हैं। बाकी बचे चार नृत्य दो दिन की क्लास में हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो मैं प्रिंस गौरव योगेंद्र क्लासेस से अलविदा लेता हूं। अब मिलते हैं अगली क्लास में आपको कल।